करनाल लोकसभा में चुनाव प्रचार की गर्मी अपने प्रचंड रूप में आ चुकी है, जहां इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया को निसंदेह प्रचार का पर्याप्त समय मिला और जिनका उन्हें भरपूर फायदा भी उठाया है। यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी तरह से परफेक्ट संपूर्ण थी। पन्ना प्रमुख से लेकर वार्ड, गांव, विधानसभा, ब्लॉक व जिला स्तर पर संगठन ने पूरा नेटवर्क तैयार किया हुआ था। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, यहां तक कि उम्मीदवार की घोषणा में भी रस्साकसी चलती रही। इसका असर जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार पर पड़ना ही था। हालांकि आप और जेजेपी के कृष्ण अग्रवाल व लोसुपा और बसपा के उम्मीदवार पंकज रोड भी चुनाव मैदान में है, लेकिन दुर्भाग्य से आप और जेजेपी, बसपा, लोसुपा के उम्मीदवार पानीपत में विधिवत रूप से अपने कार्यालय भी नहीं खोल पाए हैं। आप पार्टी ने हालांकि पानीपत में चुनाव कार्यालय खोलकर प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि निर्वाचन कार्यालय से परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को चुनाव कार्यालय फिलहाल बंद करना पड़ा। अलबत्ता इनेलो के उम्मीदवार धर्मवीर पाडा ने 13-17 सेक्टर में अपना चुनाव कार्यालय न केवल शुरू किया बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार भी आगे बढ़ाया। यदि तुलनात्मक विवेचन करें तो धर्मवीर पाडा का चुनाव प्रचार अभी तक इनेलो के वोट बैंक तक ज्यादा केंद्रित रहा। वहीं लोसुपा और बसपा के उम्मीदवार पंकज रोड ने भी मुख्य रूप से रोड समाज को एक सूत्र में पिरो लेने के कवायद में अपना ध्यान केंद्रित रखा। हालांकि कृष्ण अग्रवाल ने विभिन्न वर्गों में अपने चुनाव प्रचार का विस्तार किया। उधर कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का पीछा नहीं कर पाई है। जाहिर तौर पर प्रचार की बात करें तो निसंदेह संजय भाटिया तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र को स्पर्श करने में सफल रहे हैं। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।